अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप कौन? मैं नहीं बताऊंगा। आज का सीन ये, आज मेरा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल भी है और दूसरा मैंने आज बैरियटाउन भी जाना है। वो एक दोस्त है मेरा उसामा MK1। क्या बोला तूने? उसामा MK4 सॉरी। मेरी जो सालगिरह आ रही है ना वो है हफ्ते को, और वो हफ्ते को होता है गाँव। उसे कोई वहाँ काम शाम होते हैं तो वो कह रहे मैं गाँव होता हूँ, अगर तुमने देनी है ट्रीट वगैरह तो मुझे अभी दे दो। अच्छा, नाश्ता वगैरह करते हैं यहाँ से, पंजाब समोसा 1 & only G9 मरकज। सीन थोड़ा बैड हो गया, वॉलेट में सिर्फ 20 रुपये पड़े हैं, नाश्ता है 150, मतलब मेरे पास 130 रुपये कम है। और वो घर वालों के साथ कल गया था, घर वालों के पास पैसे नहीं थे, मैंने अपने पैसे मिला के ना चीज़ दिला दी। 15 minutes later 5 hours later तैयार वगैरह हो गए, अभी जाना है पेपर देने, प्रैक्टिकल देने। चलो चलो चलो, उसामा के पास जाना है, टैंकी भी बनवानी है, मतलब वो तो मैं अपने पैसों से बनवाऊंगा। अभी थोड़ा सा लेट भी हो गया हूँ घर से निकलते निकलते, बस हैवी ड्राइविंग करूंगा ना, कटे वगैरह मारूंगा। क्या बोला तूने? हैवी ड्राइविंग करूंगा ना, कटे वगैरह मारूंगा। क्या बात है? कॉलेज पहुंच गया, सेंटर जो भी होता है। ओ गाड़ी इतनी गंदी हो गई है, ओए कोई बात नहीं। 1 hour later प्रैक्टिकल दे के बस निकल रहे हैं। बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल हो गया, सिर्फ 2 पेजों का था। ओके, अब सीधा बैरियर टाउन निकलते हैं। आए मजे यार, इतने मजे का प्रैक्टिकल हुआ है यार। लगा ली फिर रिलीज किट। मैंने गाली दिलवाई नहीं है, शुक्र है, गंदी हो जाने की। दो ऑटो से उतरेगी, एक से होती है। अच्छा सही चल रही है, प्ले तो नहीं आ रही? मैं चलाई नहीं है इधर उसके टाइम, बबले नहीं, हॉर्न वगैरह चल रहा है, हॉर्न नहीं चलाया मैंने, खुद तार काट दी। क्यों? मेरा वो डायरेक्ट हो जाता है। हाँ ये तो है, मेरा वो जब मैं वो बनाने जा रहा था ना लाइसेंस, तब हुआ था मेरे साथ, डायरेक्ट हो गया, गली की बाहर ही हॉर्न दब गया, मैंने तार उतार दी थी हॉर्न की। क्या बात है सर, क्या क्या करवाया? रिंग पिस्टन भरे दिलवाए? रिंग पिस्टन नहीं भरे, रिंग पिस्टन तो ठीक, पिस्टन ठीक थे, पिस्टन ठीक थे, बोर भी ठीक था। हाँ हाँ, अच्छा। ये मेरी रिलीज किट है जो मेरी गाड़ी पे लगी हुई थी, वेरी गुड। बाकी इसी गाड़ी में वो भी लगी हुई है डायनेमिक, ये भी ठीक है। नहीं यार मैं लाओ नहीं, हम बड़े इन्फ्लुएंसर लोग हैं, मैं भी ठीक है समरिया। हाँ इंस्टा पे आ रहे होते हो बाइक पे, हम बिना पेड प्रमोशन इन्फ्लुएंसर तो हमारे साथ ये बैठा है सीप राणा। इतने मजे से मैं, ये कैसे हो गया? यो जी सामा भाई खर्चे कितने? क्या बात है सर, बढ़ के सारे खर्चे सामा भाई। गाड़ी में क्या किया भाई? मैं क्या कर रहा, करोला नहीं है बच्चे, बोल रहा तू ना चला गाड़ी यार। यहाँ से कल्टस तो नहीं उतार रहा मैं उधर से जाऊंगा कल्टस में। छोटी वाली और ये वाली लगाते हैं, करोला में बड़ी है ना, मैं वो सोच रहा लगाने का। छोटी स्पीकर उड़े हुए, मैं वो बाइक के स्पीकर से गाने सुन दो, स्नैप भी जब आती है ना। हाँ वो कम आती है। हाँ अभी उसामा की गाड़ी ठीक होगी है और अभी बस हम जा रहे हैं स्टैचू के पास रोलिंग्स वगैरह बनाने के लिए, इसी पीछे से गाड़ी आ रही है। We'll be right back.
अभी बस घर घर जा रहे हैं, ये भी अपने घर जा रहे हैं उसामा, और मैं भी घर जा रहा हूँ, उसके कुछ दोस्त वगैरह थे, तो बस शुगर मेरा लग गया, अच्छा हो गया, बस अभी निकलते हैं घर की तरफ, तब बस इस्लामाबाद एक्सप्रेस पकड़ते हैं और सीधा दस्ती घर पहुँचते हैं, और थोड़ा सा कॉलेज का काम वगैरह भी करना है। ये ला रहे हैं दोस्त वगैरह इसके, और ये मैं यहाँ से यू टर्न ले रहा हूँ। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे चढ़ गए हैं, बस आई थिंक सो 15-20 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, एक्साइज वाले ना रोके मुझे बस। 15 minutes later. अभी G8 के चिप्स खाने आए हैं, तो ये गाड़ी को रेस्ट भी दे देते हैं, क्योंकि मैं गाड़ी का मतलब 120-140 की स्पीड पे आया हूँ एक्सप्रेस वे पे, खराब हो जाएगा मैं मार। तो गाड़ी अभी ठंडी हो जाएगी, 150 वाले चिप्स ले रहे थे, आराम से खाते हैं ताकि गाड़ी थोड़ी सी। अभी G11 तक के पंप आ गए हैं, अभी गाड़ी में पेट्रोल भरवा के देना है घर वालों को, क्योंकि मैंने जो गाड़ी इतनी यूज़ की है अपने कांच से भरवा के देना है घर वालों को, फिर शिकायत रहेगी कि गाड़ी ले जाता है हमारे पेट्रोल पे ऐश करता है। 3000 का पेट्रोल भरने वाला है, वे बस हवा निकल गई। अभी 3000 का पेट्रोल डाला है तो आधी टंकी से ऊपर भी चली गई है, तो अच्छा है, ज़्यादा पेट्रोल डल गया तो घर वाले ये नहीं बोलेंगे कि तुमने इतनी दूर वो इस्लामाबाद से कोने पे तुम चले गए थे गाड़ी लेके, तो क्या नाम है, पेट्रोल तो भरवा लेते, हमारे पेट्रोल पे तुम घूमते रहते हो, तो मैंने पेट्रोल भी भरवा दिए। बस अभी घर जाएंगे, गाड़ी करी करेंगे, और थोड़ा सा बस अब कॉलेज का पढ़ेंगे, अब कॉलेज पर थोड़ा ध्यान देते हैं, बाकी शुगर मेला साथ साथ चलता रहता है। अभी कॉलेज वाले कह रहे हैं कि अभी स्मोक भी है लाहौर में, तो कह रहे लाहौर ट्रिप लेके जाएंगे, तो कहते हैं जब ऐसी स्मोक थोड़ी बहुत कम होती है ना तो आप लोगों को लाहौर ले जाएंगे। मुझे तो नहीं लग रहा, वैसे मुश्किल ही लग रहा है कि लाहौर हम जाएं, क्योंकि स्मोक जिस तरह है ना, मैं उसके व्लॉग देखता हूँ ना, किसके व्लॉग देखता हूँ, हाजी वगैरह के हो गए, या इस तरह के मीन हबी टू ज़ैफ़ा सलीमी वगैरह के, हबीबियन वगैरह के कभी कभार देख लेता था, तो स्मोक बहुत ज़्यादा होती थी उसमें व्लॉग्स में। तो अल्लाह खैर करे यार, वो लाहौर में जो भी है ना, बस एहतियात करें, मास्क वगैरह पहने, इस मौके का कोई पता नहीं है कि उससे पहले वो होगा गला ख़राब होगा, गले ख़राब होने के बाद नज़ला होगा, नज़ले के बाद मतलब बुखार वगैरह, इस तरह करके भी बंदा मरने वाले हालत हो जाएगी। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, चक में सब कहेंगे मर गए हम। इंडिकेटर लगा रहे हैं लेकिन फिर लोग हॉर्न मारेंगे, हारन हारन मारेंगे हारन, बात सही है। ये हमारा घर आ रहा है, बाकी मैं घर नहीं दिखाऊंगा, ये ना तुम लोग मेरे घर आ जाओ रात के 12 बजे, मैं लिख के देता हूँ कोई नहीं आएगा, 2:30 बजे घर आ जाओ मेरे। तो इसी ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, अल्लाह हाफिज़।